लोगों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, जिस समय कोरोना की महामारी में घरों में कैद कर दिया था, हमारे आपके बीच के भाई जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, कितना मजबूरी में लौट करके आए। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मदद नहीं की, हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। कैसे लोग चल करके आए, पैदल पैदल भूखे प्यासे चलते चले गए। यही पुलिस के लोगों ने वसूला, तब जाकर के ट्रक में बैठने दिया। हमारे मजदूरों को ऐसे ही सीमा पर रोक लिया, लाठी खाई, अपमानित हुआ और जान चली गई बहुत लोगों की, न जाने कितने लोगों की जान गई। हमारे मजदूर जो चल करके आए थे, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन मजदूरों की कोई मदद नहीं की। जो चल करके आए, कुछ लोगों की जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार आगे आई और उन मजदूरों के परिवारों को एक एक लाख मदद करने का काम किया। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मदद सरकार नहीं कर रही। हम समाजवादी लोग, हम गरीब का दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं, हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा। अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा। हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है, वो आपकी परवाह नहीं करेंगे, और अगर परवाह की होती तो यहीं पर बांदा में, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शराब के नशे में एक ने, एक गरीब जो काम करता था, जो गरीब वहां पर सेवा करता था, इतना मारा और नशे के उसमें उसने आदमी को चीर दिया। बताओ, यहीं पर घटना हुई बांदा में, एक गरीब को चीर दिया इसलिए कि गरीब से वो ज्यादा सेवा कराना चाहता था। कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये हमारे बिशम्भर निषाद जी बैठे हैं, पार्टी के और नेता बैठे हैं, अगर किसी ने मदद जाकर के घर उसके की तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। ये जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये जो दमदार सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनका एक ही है नारा, ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। बताओ बीएड वालों, शिक्षा मित्र वाला, आपसे क्या वादा किया था नौजवानों? ये दमदार सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था नौकरी और रोजगार का? लेकिन दमदार सरकार के तो 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार से पीछे छोड़ दिया। कोई नौकरी रोजगार का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने सपने को मारा है तो यही झूठ बोलने वालों ने सपनों को खत्म कर दिया। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग,
कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट मिल रही थी। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। हमारे साथियों बताओ, क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या, योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार चाहिए क्या, योगी सरकार चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश के हालात जो पैदा किए हैं, आज जो नफरत फैलाई है, ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है, इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। उसके बाद कारखाने, आपके यहां तो नहीं लगे कारखाने, कोई कारखाना लगा हो तो बताओ हमें, कोई कारखाना नहीं लगा। अमेरिका की तस्वीर चुरा के ला गए, बोले कि ये कारखाने लगे हैं। अभी आए थे यहां भाजपाई लोग, बांध की तस्वीर दिखा रहे थे, वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी। जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने